हे नमस्कार मेरियन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक. तो हम लोग क्या करेंगे, आज से हम लोग एक नया वेब सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? और इस वेब सीरीज में हम लोग को ये 7 सीजन कवर करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस सीजन्स क्या है, एक्चुअली में चैप्टर्स ही हैं. मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का जो ब्रांच है, जो 10 लेवल पे हम लोग को अपीयर करना है, जो पता होना चाहिए, वो ये सारे चैप्टर्स कवर अप करता है. और ये सारे चैप्टर्स को हमने नाम दे दिया सीजन. सुनने में अच्छा लगता है ना, मज़ा आता है वेब सीरीज देखने. सीजन और सीजन बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है? ओके, तो अभी तो चैप्टर्स के बारे में बात करने कोई फायदा है नहीं, पर एक अच्छा होगा आप इसको कॉपी कर लीजिए एक बार, कि आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं और हम लोग इसी लाइन में मूव करेंगे, इसी ऑर्डर में अप्रोच करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके, आप सो हम पॉज कर रहे हैं, आप सो अच्छे से कॉपी कर लिए, फिर नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं हम लोग. तो चलिए भैया, अब हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है? देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री. सही है, सही है. अब समझने की कोशिश करो भैया, कि जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है ना, एक्चुअली 2 वर्ड से बना है, ट्राई प्लस मेट्री, ठीक है? ट्राई कम्स फ्रॉम द वर्ड ट्रायंगल्स. सही है, सही है. एंड मेट्री का वर्ड कहां से आता है? मेट्री, मेट्री का वर्ड होता है मेजरमेंट, MEASUREMENT, मेजरमेंट. हेंस ट्रिग्नोमेट्री क्या बन जाता है, ट्रायंगल्स प्लस मेजरमेंट क्या है, देयरफॉर हाँ लिखते हैं, देयरफॉर ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ डील्स विथ द स्टडी ऑफ मेजरमेंट MEASU मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है? ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है? समझ में आ रहा है ना, आप भी साथ साथ लिखते रहिएगा, ठीक है? ओके, अभी ट्रायंगल का जो बात हो रहा है ना, ये सारा ट्रायंगल्स के लिए नहीं है, ओनली फॉर ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ओनली फॉर अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हम लोग का, कि भैया ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है कि मेजरमेंट्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, ठीक है? पर सारा ट्रायंगल्स के लिए पॉसिबल नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रायंगल है जिसका नाम है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक? ठीक, इतना हम लोग को समझ में आया, ठीक है? अब नोटिस करो कि सिंस हम लोग को ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो हम क्या चाहते हैं ना, आपको एक बेसिक, ऑब्वियसली हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, पर एक फिर से बेसिक ओवरव्यू दे देते हैं ट्रायंगल्स का, कि ट्रायंगल्स होता क्या है, एक ओवरव्यू करते हैं हम लोग, ओवरव्यू, ओवरव्यू, ठीक है? ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं हम, ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, सिंपली देखा जाए तो ट्रायंगल सिंपली एक रेक्टिलिनियर फिगर है, रेक्टिलिनियर फिगर मेड ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस. ट्रायंगल क्या है, एक रेक्टिलिनियर फिगर तो है ना, मेड ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस. रेक्टिलिनियर फिगर क्यों, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइंस, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, there are 3 rectilinear figures, straight lines joined together, joined to each other, joined to each end, joined to each other, joined to each other, ठीक है? मतलब कि यही तो हुआ ना, ये एक straight line है, ये एक straight line है, ये एक straight line है, ठीक?
और इस स्ट्रेट लाइंस को नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग साइड्स। अच्छा यहाँ पे बता, स्ट्रेट लाइंस को बोलते हैं हम लोग STRAIGHT। जो स्ट्रेट लाइंस होता है इसको नाम दिया गया है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, SIDES, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ओके। अब नोटिस कीजिए, ये साइड्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करता है, दो गिवन साइड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करता है, पॉइंट एट विच टू साइड्स मीट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये दो साइड यहां पे मीट कर रहा है, ये एक वर्टेक्स हो गया। दो साइड जिस पॉइंट पर मीट करता है, टच करता है दूसरे को, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये भी एक वर्टेक्स हो गया, ये भी एक वर्टेक्स हो गया। ठीक ठीक, वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। और ट्रायंगल नहीं लिखने के लिए हम ये ट्रायंगल का सिंबल यूज कर रहे हैं, जहां पे ट्रायंगल का सिंबल यूज कर रहे हैं मतलब आप समझ जाइएगा हम ट्रायंगल वर्ड को यूज कर रहे हैं। एंड फाइनली एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग के लिए, स्पेस सेपरेशन, स्पेस सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड्स। द स्पेस सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब दोनों का चिपका हुआ, एडजेसेंट मतलब होता है दोनों चिपका हुआ साथ साथ, एडजेसेंट मतलब एक साथ चिपका हुआ है, इसको बोलते हैं एंगल, एंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक ठीक, तो देखिए ये एक ट्रायंगल है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इस ट्रायंगल को नाम देते हैं हम ए बी सी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल का कितना साइड्स है, तीन साइड्स है, कितना लाइन है, तीन लाइन है ना, ए बी बी सी सी ए, ये एक तीन साइड्स है। साइड्स क्या है, कहां लिखे, ब्लू पेन जाना है, ब्लू पेन कहां है, ये रहा ब्लू पेन। तो थ्री साइड्स क्या है, ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ए। ठीक, ए बी बी सी सी ए साइड्स तो है ना, एक लेंथ तो है ना, ओके। वर्टेक्स मतलब क्या होता है, दो साइड्स जहां पे मीट कर रहा है उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, मतलब ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स क्या है, ए बी सी वर्टेक्स है। ठीक है, ठीक है। एंड यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं हम, कि दो एडजेसेंट साइड्स, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये दो एडजेसेंट साइड है, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जॉइंट है वाया वर्टेक्स, ये दोनों एक दूसरे से चिपका हुआ है वाया वर्टेक्स। तो इन दोनों के बीच का जो ये सेपरेशन है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस का सेपरेशन है उसको बोलते हैं एंगल। यहां पे कितना एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक दूसरा एंगल है, ये एक तीसरा एंगल है। ठीक है, तो उस एंगल को लिखते हैं ऐसे, एंगल का सिंबल ये है, और अगर आप इस एंगल को स्पेसिफाई करें हम लोग बोलते हैं एंगल ए कॉमा, इसको बोल देंगे एंगल, एंगल बी, और इसको बोल सकते हैं एंगल सी। मतलब कि मुझे जो एंगल को डिनोट करना है हम उसका वर्टेक्स लिख देते हैं और ये साइन देते हैं, ये साइन को बोलते हैं एंगल का साइन, एंगल। ठीक है, दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा, ठीक है, ओके। चलिए इसको आप कॉपी करिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम लोग। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग को। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, आपको पता है, मुझे पता है,
और फिर भी हम लोग एक बार समझ लेते अच्छे से, ताकि जब हम लोग न्यूमरिकल्स करने जाएं तो कोई प्रॉब्लम ना हो हम लोग को। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स पहले करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है। देखिए कहाँ लिखते हैं, अच्छा ये बना दें, ये पे हम लोग दोनों पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स करते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए, ये एक ट्रायंगल है फॉर ट्रायंगल ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखा गया है कि जो तीन साइड्स है उन तीनों साइड्स में से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तीनों साइड अनइक्वल है, मतलब कि ये ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है, दैट इज कहां मिटाओ यार इसको, यार रुको मिटाओ इसको, यहां पर दैट इज यहां पर बनाते, छोटा सा बनाते, ए बी सी दैट इज ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी इज नॉट इक्वल्स टू सी ए। ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी साइज इक्वल नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग स्केलिन ट्राइंगल। सही है। ओके, नंबर बी क्या बोला, इसको एक कर देते हैं यहाँ पर, ये नोटेशन हो गया जनरल। ठीक है, ओके, एंड इफ एनी ऑफ द टू साइड्स आर इक्वल, तो हम लोग बोलते हैं वो बन गया मेरा, और ये ट्रायंगल है ए बी सी और यहां पर ये दोनों साइड्स इक्वल है, दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक, तो ऐसा ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। सही है, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, बस सर पेशेंस रखो, समझा रहे हैं सब चीज। नंबर सी, एंड इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, अगर सारा साइड्स इक्वल है तो हम लोग उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है, मतलब कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, यहां पर ये तीनों साइड्स बराबर है, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आया, ओके, अब देखो, ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज भी बहुत सारा होता है, उस पर नहीं जा रहे हैं हम लोग, बाद में कभी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ए बी सी, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, अभी हम लोग साइड्स के रिस्पेक्ट में बात किए, अब एंगल्स के बेसिस पे बात करते हैं हम। मान लीजिए पहला केस, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, सारे जो एंगल है उसके जो सारे एंगल्स है ना लेस देन 90 डिग्री है, ये एंगल तीनों एंगल मिला के जो सम तो 180 डिग्री होता है, वो तो होता ही है, जो तीनों एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट ट्रायंगल, ACUT, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, पर ऐसा हो जाएगा कि if any
वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो उसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ऑप्टूज, OBTUSE, ऑप्टूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एंड फाइनली जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, इफ एनी वन ऑफ द एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इफ एनी वन ऑफ द एंगल 90 डिग्री हो गया उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हम लोग को मिल जाएगा जो हम लोग को पढ़ना है, क्या है वो, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये हम लोग को पढ़ना है भैया, यही हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री में यही हम लोग को पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ओके। मतलब कि अगर हम लोग साइड्स के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो हम लोग पास तीन तरह का ट्रायंगल होता है, स्केलिंग ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। स्केलिंग मतलब कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल है, ठीक है। और एक और बात, दो इक्वल साइड्स जहां पे मीट करता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स, क्या बोलेंगे इसको, छोड़ो, बाद में बात करेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। और जो दो साइड्स इक्वल है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ चुके हम लोग। एंड इस केस में, सिंस ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल है, मतलब तीनों एंगल इक्वल है, और कितना होगा, 60 डिग्री का बराबर होगा। क्यों, ओहो, भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्राइंगल का जितना भी तीन इंटीरियर एंगल्स है ना, उन तीनों को अगर आप सम करोगे तो आंसर हमेशा 180 डिग्री ही आना है और कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। और सिंस ये तीनों का सम 180 डिग्री होगा और तीनों ट्राइंगल्स इक्वल है तो क्या ऑप्शन है मेरे पास, बस 60 60 60, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। एंड जब हम लोग एंगल्स के टर्म्स में क्लासीफाई करते हैं तो हम लोग पास अभी भी तीन एंगल बनता है, तीन ट्राइंगल बनता है। एक होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मतलब कि अगर तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री है। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसमें अगर कोई एक एंगल भी ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो ऑब्ट्यूज। और ये मजेदार चीज है, राइट एंगल ट्रायंगल, कि एंगल को 90 डिग्री ही होना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पर जूम इन करेंगे, उस पर काम करेंगे, ठीक है। देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, पॉज करके अच्छे से नोट कर लो आप लोग, और फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। चलो भैया आ जाओ राइट एंगल ट्रायंगल पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, राइट RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ठीक है, देखो भैया राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, मतलब कि एनी वन एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, कोई एक एंगल 90 डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। और इसको नाम दे रहे हैं ए बी सी, और ये हो गया मेरा एंगल 90 डिग्री, मतलब कि एंगल बी 90 डिग्री हो गया, ठीक। ठीक, अब दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। अब देखिए हम लोग को पता है प्रॉपर्टी से कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है ना, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर ये सारा एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो ये एंगल जो बचा, एंगल ए और एंगल सी, वो कितना होगा, मतलब कि हम लोग को पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होता है हमेशा 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री।
इसमें से एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या हम बोल सकते हैं यहां से एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90। मतलब कि या एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये दोनों एंगल जो तो बाकी दो रिमेनिंग एंगल है, ये एक रिमेनिंग एंगल है, ये रिमेनिंग एंगल है, वो हमेशा 90 डिग्री होता है दोनों का सम। और ऐसा एंगल जिसका सम दैट इज द सम ऑफ द रिमेनिंग टू एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हम बोल सकते हैं विच इंप्लाइज द रिमेनिंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, द रिमेनिंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ या ना? क्योंकि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वैसे एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, ठीक है? कि दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो उन दोनों एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब कि अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं आपको x और y कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस y 90 डिग्री होगा, ठीक है? अगर 30 डिग्री है इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, मतलब इसमें क्या ऐड करेंगे कि आंसर 90 आ जाए, क्या 60 70 है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, क्या 90 माइनस 70 20, बस वही है, ये बोल, ये डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ये डेफिनेशन है, ठीक है? ठीक है, ये हो गया हम लोग का, ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक और बात पहले हम फिक्स कर दें कि ये जो तीन साइड्स है ना, इसमें से द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, ये पहला इंफॉर्मेशन था हम लोग का। दूसरा इंफॉर्मेशन, द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड, इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। कुछ टेक्निकल टर्म्स है, बस ध्यान रखो, मतलब इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे जो ये एसी है, एसी वो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है? ठीक है, इतना। तो आप मुझसे पूछ सकते हो भैया अगर 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं तो ये जो रिमेनिंग साइड है उसको क्या बोलते हैं, आएंगे वहां पर, आएंगे लोग वहां पर, ये हो गया। और क्या बताना पड़ेगा मुझे, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छा आते हैं वहां पर भी आएंगे हम, पर ये हो गया। हाँ एक और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कर लिख ली इतना, कॉपी हो गया, ओके। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहते हैं हम आपको कि ये हो गया, हटाओ यार इसको, राइट ठीक है, यही बैठ कर दे रहा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एनी वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, और आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल होना पड़ेगा, मतलब कि टू साइड्स इक्वल, टू साइड्स इक्वल, यही मतलब हुआ ना इसका, ठीक है? ये कैसा होगा, ये एक एंगल तो 90 डिग्री होना ही पड़ेगा, ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बचा क्या, बचा क्या, ये दो साइड बचा, ये दोनों साइड को इक्वल होना ही पड़ेगा, ठीक है? अब ये दोनों साइड इक्वल है मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होना पड़ेगा, तो वो कितना होगा,
होगा 45 डिग्री एंड ऑब्वियसली ये भी 45 डिग्री, क्योंकि सिंस ये आइसोसेलेस हो चुका है ये दोनों साइड्स, ओह नाम दिए नहीं हम, ए बी सी, सिंस बी सी एंड बी ए इक्वल है मतलब कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होना पड़ेगा, तो क्या ऑप्शन है, इन दोनों का सम 90 डिग्री होना पड़ेगा, तो दोनों को 45 ही होना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं उसके पास, समझ में आ रहा ना क्या बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जहां पे एक एंगल 90 डिग्री है एंड और दो साइड्स है, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो दो साइड्स है वो दोनों इक्वल है, ऐसा को बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है, ओके, अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट आइडिया में, जहां पे जो अब हम लोग को जरूरी है, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं बेसिक आइडिया में जिसका हम लोग को जरूरत है, जो है हम लोग के लिए कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर कॉमा बेस इन अ ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट A N G L E D angle triangle, concept of perpendicular base in a right angle triangle, hypotenuse तो fixed रहेगा हमेशा, जो angle 90 degree है उसका opposite में जो side है वो hypotenuse, वो fixed है हमेशा, उसमें कोई variation नहीं होगा, पर perpendicular क्या होता है, base क्या होता है ये समझते हैं हम लोग, ठीक है, okay, ठीक है, अच्छा उससे पहले एक और पॉइंट नोट करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, एक नोट कर लीजिए कि टू डिनोट एन एंगल, टू डिनोट एन एंगल एनी इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी यूज्ड ठीक है, बट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन इन जनरल ग्रीक अल्फा ALPHA अल्फाबेट्स आर यूज्ड जैसे कि ये हो गया अल्फा, इसको पढ़ते हैं अल्फा ALPHA, मतलब कि ये बोलना चाहता है कि भैया देखो जो ये जो ट्रायंगल है ये एंगल बना, आप इसको बोल सकते हो एक्स डिग्री है, हाँ बोल सकते हो, आप बोल सकते हो ये एंगल वाई डिग्री है, ऑब्वियसली बोल सकते हो, ये तो 90 डिग्री है ये तो कोई बात नहीं है, आप चाहो उसको x डिग्री और y डिग्री भी बोल सकते हो, ठीक है, पर जब आप नॉर्मली अपना बुक फॉलो करोगे ना तो बुक में आपको दिखेगा कि ये लोग ग्रीक अल्फाबेट्स यूज करते हैं, मुझे भी पता नहीं क्यों ग्रीक अल्फाबेट्स यूज किया जाता है, बस मन कर रहे लोग कर रहे लोग, ये हो गया अल्फा, दूसरा एक होता है इसको ऐसे लिखते हैं बीटा, नंबर थ्री ऐसे लिखते हैं इसको बोलते हैं गामा, ठीक है, और नंबर फोर ओ बना के उसको काट देते हैं उसको बोलते हैं फाई PHI फाई, और नंबर फोर है ना नंबर फाइव एक और है ओ बना के अब इसको बीच से काट देता और बाहर लाइन नहीं रहेगा इसको बोलते हैं थीटा THETA थीटा, ये सारा सिंबल्स है जो आपको पता होना चाहिए, एक्चुअली क्या सिंबल्स है, बस सिंबल्स टू डिनोट एंगल्स, ये चीज आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा, इसको बोलते हैं फाई, इसको बोलते हैं थीटा, ये सारे बस सिंबल्स है और कुछ नहीं है, ठीक है,
ओके मिटा रहे इसको हम, ठीक है मिटा रहे हम, चलिए इसको मिटा दो भैया अब खत्म। अब हम लोग फाइनली थोड़ा बहुत पढ़ाई शुरू कर सकते हैं अपना। फाइनली कुछ तो हम लोग शुरू कर सकते हैं, अब देखते हैं। अब हम लोग कंसेप्ट ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर समझ लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। दिस कंसेप्ट डिपेंड्स ऑन द एंगल अंडर कंसिडरेशन। मतलब कि आप किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, किस एंगल के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो वो मैटर करता है कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। मान लीजिए ये सेम ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री है, सही है सही है। मान लीजिए इसको हम नाम दे रहे हैं क्या नाम है थीटा, इसको नाम दे रहे हैं फाई, ठीक है। मतलब कि यहां पर एंगल ए इज इक्वल्स टू फाई, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। एंड सेम चीज यहां पर भी कर दे रहे हैं, सेम चीज यहां पे लिख दे रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, ये 90 डिग्री है और ये फिर से वही चीज ए बी सी, ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया फाई, सेम चीज है, ठीक है। ये थीटा और ये फाई, ओके ओके, हाँ बाकी सब सेम है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए अब क्या बोल रहे हैं हम, मान लो इफ द reference angle angle एंगल है, एंगल ए मान लेते हैं भैया, एंगल ए विच इज इक्वल टू फाइव। देखिए क्या बोल रहे हैं हम, सबसे पहला बात ये समझना पड़ेगा जो कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर वो डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा है अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। हम यहाँ पे दो सिचुएशन बनाए हैं, ऑब्वियसली दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस केस में हम एंगल अल्फा का बात इसका बात कर रहे हैं, एंगल ए का, इसका वैल्यू फाई है। इस सिचुएशन में ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज क्या होगा, पहले एक सेकेंड ना, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज कितना होगा, साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री एसी, वो तो फिक्स है, उसमें कुछ चेंजेस आने वाला नहीं है, ठीक ठीक। नेक्स्ट, अगर आप एंगल ए का बात कर रहे हो, मतलब एंगल फाई का बात कर रहे हो, इस रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट में, इस रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट में जो साइड है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर व्हिच इज इक्वल्स, इस केस में है बीसी, ठीक है। एंड इस रेफरेंस एंगल का जो लाइन चिपका हुआ है हाइपोटेन्यूज के साथ, हम ध्यान सुनिएगा, इस रेफरेंस एंगल के साथ जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, जो साइड उसका चिपका हुआ है उसको बोलते हैं बेस, कितना ए बी। देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको, समझ में आया कुछ कि भैया हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स्ड है, अब आप जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हो उसके ऑपोजिट में जो साइड है उसको बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर, एंड इस एंगल के साथ जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट चिपका हुआ है उसके साथ, हम ध्यान सुनिएगा, ऑपोजिट एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब जो चिपका हुआ है उसके साथ, उसको बोलते हैं बेस, ठीक ठीक। यहां पे आते हैं भैया, यहां पर हम इफ द रेफरेंस एंगल क्या बचा मेरा, सी ना, एंगल सी है जो एक्चुअली में
थीटा है, तब क्या गंडगोल होगा भैया, बताओ बताओ। देखिए फिर से वही कहानी चलेगा, 90 डिग्री के जो ऑपोजिट है वो तो हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है, कोई दोहराहे का बात ही नहीं है। हाइपोटेन्यूज कितना है, सॉरी हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी, ठीक, हाइपोटेन्यूज ए सी है, बहुत बढ़िया। एंड और क्या और क्या और क्या और क्या जी और क्या, हाँ हम लोग इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं थीटा, इसके ऑपोजिट में जो एंगल साइड है उसको बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, ठीक है। एंड इसके एडजेसेंट जो साइड है उसको बोलते हैं बेस, कितना है वो बी सी, ठीक है, ये समझ में आया ना कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड, और ये होगा एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, क्लियर है ना, ठीक है। अब फाइनली ब्रह्मास्त्र, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ब्रह्मास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मास्त्र ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा ब्रह्मास्त्र को, कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक पर्टिकुलर थ्योरम है, याद है ना, थैंक यू, वो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या है एक्चुअली में, जो स्टेट इट सेज दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो साइड है उसका स्क्वायर, ये प्लीज ध्यान रखिएगा, एंड ये वैलिड है फॉर पाइथागोरस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्या समझ में आया कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको, ओके इसको पॉज कर रहे हैं, पॉज करके नोट कर लो अच्छे सारा चीज, ठीक है, आप अच्छे से कॉपी कर लो, एंड प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पाइथागोरस थ्योरम है इज वैलिड ओनली फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल और कोई वैलिड नहीं है, ठीक है। अब हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्री जो फर्स्ट सीजन था, अगर आप नोट करोगे, नोट आप अगर आपने ठीक से नोट किया होगा, नोट किया है ना उसको प्लीज नोट कर लेना, क्योंकि हम उसको बार बार रेफर करेंगे वहां पर, जो फर्स्ट सीजन है ना हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब हम लोग इतना लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझ सकते हैं, ठीक है, ओके तो चलो आप कॉपी कर लो इसे और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब शुरू करते हैं। तो चलिए फाइनली अब हम लोग अपना सीजन का पढ़ाई शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी कैरेक्टर्स, जितने भी किरदार चाहिए थे हम लोग को, हम लोग ने इंट्रोड्यूस कर लिया, अब हम लोग शुरू कर सकते हैं। हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग पढ़ा जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक ठीक ध्यान से देखिएगा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अब देखिए अब आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान सुनेगा, हम क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसको ध्यान सुनेगा, ठीक है ठीक है। अच्छा इन टोटल हम लोग के पास सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है, पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिंपली क्या है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लेंथ, L-E-N-G-T-H, length
ऑफ द साइज एस आई टी ई एस साइज ऑफ द ट्रायंगल. क्या बोल रहा हूँ, सिंपली ये बोला जा रहा है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो एक्चुअली क्या डिपेंड है, रेशियो रेशियो मतलब समथिंग बाय समथिंग. ये तो देना रेशियो मतलब क्या होता है, इश राम राम राम, सुनो ध्यान से. अब आप रेशियो मतलब नहीं पता, रेशियो मतलब मतलब अगर x एंड y रेशियो में है इसका मतलब क्या हुआ, x by y, x to is to y मतलब x by y, something by something numerator, जब कोई नम फ्रैक्शन कोई चीज को हम लोग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं उसको बोलते हैं रेशियो, रेशियो ऑफ टू थिंग, पहला वाला ऊपर होता है नीचे वाला डिनोमिनेटर में होता है उसको बोलते हैं रेशियो. ठीक है ओके अच्छा ठीक है. अब देखिए अब ध्यान सुनिएगा, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर ले रहे हैं, लेट वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, ये ए ये बी, इसे नाम देंगे इसको इसको ए इसको बी एंड इसको सी. ठीक है एंड मेरा रेफरेंस एंगल ए है फॉर ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए इज द इज आवर रेफरेंस एंगल इज आवर रेफरेंस एंगल. अब अगर एंगल ए मेरा रेफरेंस एंगल है, ठीक है एंगल ए मेरा रेफरेंस एंगल है और इसको हम वैल्यू थीटा, जो एंगल थीटा से डिनोट कर रहे हैं, उस केस में जो एसी है वो क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज. इस एंगल के जो ऑपोजिट है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड इस एंगल के जो एडजेसेंट है वो हो जाएगा बेस. तो हाइपोटेन्यूज कितना है एसी, हाइपोटेन्यूज कितना है एसी, परपेंडिकुलर कितना है सीबी एंड बेस कितना है एबी. ये चीज आपको क्लियर है कि नहीं है, ये एकदम ये चीज क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ. एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल ए को हम रेफरेंस एंगल पकड़, मेरा मर्जी मेरी मर्जी. ठीक है एंड अगर ये फिक्स कर दिए हम तो हाइपोटेन्यूज मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया. हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना है एसी, बेस का लेंथ है एबी एंड परपेंडिकुलर लेंथ है सीबी. ठीक ठीक चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते हैं जो एक्चुअली में क्या है, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स. ठीक है ठीक है चलिए. और हम बोल रहे हैं इन टोटल हम लोग के पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है. पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर वन है साइन of an angle, sine of an angle, ठीक है, यह sine of an angle, ठीक है, is defined as the ratio of the perpendicular to base, perpendicular to base, sine of an angle, इसको पढ़ते हैं लिखते कैसे हैं, sine पढ़ते हैं लिखते हैं ऐसे, which implies that is sin, जब लिखने का बारी आता है तो हम लोग सिर्फ एस आई एन लिखते हैं, ई नहीं लिखते हैं, पर पूरा नाम एस आई एन ई है, साइन ऑफ एन एंगल. कोई एक एंगल का साइन मतलब किस एंगल का बात हो रहा है यहां पर, थीटा एंगल का, एंगल थीटा होता है रेशियो ऑफ द
परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूज मतलब कि इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज मतलब ये चीज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज जो इस केस में कितना हो जाएगा इस केस में परपेंडिकुलर है सीबी एंड हाइपोटेन्यूज है एसी ये हो गया इसका डेफिनेशन ये डेफिनेशन है डेफिनेशन डेफिनेशन है ये साइन ऑफ एन एंगल का हम लोग पढ़ते हैं साइन ऑफ एन एंगल थीटा ठीक है पर लिखते हैं एस आई एन ब्रैकेट में एंगल थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज व्हिच इज इक्वल टू ये डेफिनेशन है इसका ठीक ठीक ये हो गया पहला हम लोग का दूसरा पे मूव करते हैं दूसरा आता है हम लोग का इसको बोलते हैं हम लोग कोसाइन ऑफ अ गिवन एंगल ऑफ अ गिवन एंगल ठीक है एंड इसको डिफाइन करते हैं इज डिफाइंड एज एन डिफाइंड एज द रेशियो एज द रेशियो रेशियो ऑफ द इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द बेस टू हाइपोटेन्यूज बेस टू हाइपोटेन्यूज ठीक मतलब एंड दैट इज इसको लिखते हैं ऐसे हम लोग कोसाइन पूरा नाम है ना पर लिखते हैं बस कॉस सी ओ एस फिर एंगल थीटा जिस एंगल का बात हो रहा है हम लोग यहां पे एंगल थीटा का बात कर रहे हैं इसलिए एंगल थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज बेस बाय हाइपोटेन्यूज ये इसका डेफिनेशन है और बेस कितना है यहां पर ए बी एंड हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी ये हो गया बस ये डेफिनेशन है इसका साइन ऑफ एन एंगल तो वैसे ही ये कोसाइन ऑफ अ गिवन एंगल मतलब कि एक किस कोसाइन ऑफ एनी गिवन एंगल लिखते हैं कॉस पढ़ते हैं एंगल को बीच में और ये डेफिनेशन है बेस बाय हाइपोटेन्यूज रेशियो ही तो है ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बेस बाय हाइपोटेन्यूज रेशियो तो है समथिंग बाय समथिंग इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब कि कोसाइन ऑफ एन एंगल इज डिफाइंड एज द बेस एंड हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल ठीक है फाइनली चलिए नंबर थ्री पे आते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं उसको टेंजेंट ऑफ एन एंगल टी ए एन जी ई एन टी टेंजेंट ऑफ अ गिवन एंगल इसको पढ़ते हैं इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस परपेंडिकुलर टू बेस ठीक है मतलब कि जो टेंजेंट ऑफ अ गिवन एंगल टेंजेंट ऑफ अ गिवन एंगल इसको पढ़ते हैं ऐसे दैट इज हिंदी में टैन ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू बेस मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर बाय बेस बी ए एस ई ये हो जाएगा कितना परपेंडिकुलर बाय बेस कितना होता है कितना परपेंडिकुलर है सी बी बाई ए बी ये हो गया इसका डेफिनेशन तो साइन ऑफ एन एंगल ऐसे भी लिखते हैं ये डेफिनेशन है कॉस ऑफ एन एंगल ऐसे लिखते हैं ये डेफिनेशन है टेंजेंट को ऐसे लिखते हैं ये इसका डेफिनेशन है ठीक है ठीक है चलो तो फाइनली हम लोग के पास तीन डेफिनेशन मिल गया ये एक डेफिनेशन है ये तीन डेफिनेशन हम लोग को मिल गए ये हम गंदा कर दिए क्या नहीं ठीक कुछ गंदा नहीं किया
ठीक है चलिए आप इसको अच्छे से कॉपी कर लो पहले, अच्छे से कॉपी करो। ओ यहाँ पे बहुत जगह खा रहा है ये, अब ठीक है ये सेपरेट है, ये सेपरेट है ठीक है ओके। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए इससे, ठीक है ठीक है चलिए आप तो कॉपी कर लो इससे ओके। अब देखिए अब हमने कहा टोटल 6 डेफिनेशंस है, 3 हम लोग लिख चुके हैं ठीक है, अब और 3 करना है तो हम तो ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप कॉपी कर लियो, कॉपी नहीं कर लो हम उसको मिटाना है कुछ, मुझे यहाँ पर मिटा रहे हैं कुछ कुछ ठीक है, ताकि मुझे ज्यादा नहीं लिखना पड़े, ये मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा दो भैया, इसको मिटा दिया जाए ताकि मुझे ज्यादा नहीं लिखना पड़े भैया, आपके पास तो मुझे ज्यादा टाइम लगता है ना भैया, क्या करें यहाँ। इसको ये डेफिनेशन मिटाओ, इसको यहाँ से ये रेशियो का लाइन हटाओ, परपेंडिकुलर का लाइन हटाओ यहाँ से बस, डिफाइंड एज ए रेशियो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, उसके बाद इसको हटाओ पहले तो, हाँ इसका डेफिनेशन कॉस हटाओ ठीक है, ये हो गया, इसको हटाओ और इसको हटाओ पहले ना और इसको हटा दो ठीक है, ये 3 डेफिनेशन हम लोग हटा रहे हैं, हाँ ठीक है, बचे हम लोग के और 3 डेफिनेशन ठीक है, 3 हो चुका है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं नंबर, इसको तुम डाइन नहीं छी 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 का कर रहे हो बबुआ। नंबर 4, नंबर 4 जो है उसका नाम है को सेक एंड, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, को सेकेंड, सी ओ एस ई सी ए एन टी, अरे यार को सेक एंड ऑफ एन एंगल ठीक है, को सेकेंड ऑफ एन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज टू परपेंडिकुलर, मतलब कि अगर आपके पास एक रेशियो है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं को सेकेंड ऑफ दैट एंगल, एंड को सेकेंड को लिखते हैं ऐसे, दैट इज को सेक ऑफ दैट एंगल थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा ए सी बाई, लिखना पड़ेगा ना हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू ए सी बाई सी बी, AC by CD, ठीक है, H for hypotenuse, P for perpendicular, ठीक है, ठीक है। Next, cos second के बाद आता है number 5, जो simply है sec and second of a given angle is defined as the ratio of the hypotenuse to base. BASE, SE, SE, मतलब को सेकेंड पढ़ते हैं पर लिखते हैं सिंपली दैट इज सेक लिखते हैं, मतलब SE, C, sec of the given angle is equals to ratio of hypotenuse by base, hypotenuse कितना है AC, base है AB, H for hypotenuse, B for base, short form, ठीक है ओके। एंड फाइनली नंबर 6, इसको पढ़ते हैं हम लोग को टेंजेंट, को टेंजेंट ऑफ अ गिवन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बेस टू परपेंडिकुलर, बेस टू परपेंडिकुलर, और इसको लिखते हैं ऐसे दैट इज cot of the angle is equals to base by perpendicular, which is equals to base है AB and perpendicular है CB, ये हो गया आपका final answer। तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग को और 3 trigonometric ratios मिल रहे हैं, cosecant पढ़ते हैं लिखते हैं cosec, ये हो गया number 4,
फिफ्थ है सेकंड ऑफ अ गिवन एंगल, पढ़ते हैं सेकंड पर जब लिखने का बारी आता है तो बस लिखते हैं एस ई सी ऑफ दैट एंगल, जो एंगल होगा उसको हम लोग ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर दिया करेंगे, ठीक है। एंड फाइनली कोटेंजेंट ऑफ अ गिवन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बेस टू परपेंडिकुलर, तो बस इसको बोलते हैं ये पढ़ते कोटेंजेंट है पर एक्चुअल में लिखते बस कॉट है। ये हो गया आपका फाइनली, तो टोटल जाके हम लोग के 6 डेफिनेशंस हो गए, ठीक है। चलो इसको आप इसे कॉपी कर लो, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ओ नेक्स्ट स्लाइड कुछ लिखे नहीं है, देखिए सुनिए, हम लोग ने छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो डिफाइन तो कर दिया, ठीक है ठीक है, पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया आपने लिखवा दिया पर याद कैसे करें, इसको याद कैसे करें, तो याद करने का तरीका भी है। चल देखिए, अभी से जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई क्वेश्चन करेंगे तो आप अपने फ्रंट पेज पे सबसे ऊपर वाला पेज कॉर्नर में ये लाइन लिख दीजिएगा। अच्छा अभी नहीं लिख सकते ना, अच्छा ठीक है, वेलकम टू दैट। तो चलिए देखिए, ये सारे ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन ए कॉस ए टैन ए कोसेक ए सेक ए कॉट ए, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो एंगल है वो नेसेसरी नहीं है कि आपको ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा, वो कंपल्शन नहीं है आपके पास, पर अगर आप ब्रैकेट में लिखते हो आपको साफ साफ दिखेगा कि आप किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ठीक। एंड मतलब कि साइन ब्रैकेट में ए, समझ में ना, एंगल को ब्रैकेट में नहीं लिख के आप सिंपली साइड में भी लिख सकते हो उसके बगल में, ठीक ठीक। एंड ये उसका डेफिनेशन है, ठीक है ठीक है, अभी हम लोग ने जो लिखा था, ठीक है। अब हम लोग एक नेक्स्ट चीज पढ़ना चाहते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशंस, रेसिप्रोकल रिलेशंस, ठीक है ठीक है। अच्छा आपको वर्ड रेसिप्रोकल मतलब पता है क्या होता है, जो रेसिप्रोकल वर्ड उसका मतलब पता है? नहीं पता। अच्छा रेसिप्रोकल मतलब होता है उसको क्या बोले, उल्टा पुल्टा ऐसे आता था, उल्टा पुल्टा करना, पुल्टा या फिर इंटरचेंज करना, उल्टा पुल्टा फिर इंटरचेंज, ठीक है ठीक है। मतलब कि बस अभी कर रहे, सुनो एक बार, कि अगर ये एक नंबर है ए तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a, मतलब कि हमने इसको उसका उल्टा पुल्टा कर दिया, जो क्वांटिटी है उसका रेसिप्रोकल लेना, मतलब कि उसको 1 से डिवाइड करना, ये हो गया रेसिप्रोकल। माने क्वांटिटी है 5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5, ठीक है। मान लीजिए 7/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, हो जाएगा 1/7/2 विच इज एक्चुअली 2/7, क्या हो गया उल्टा पुल्टा हो गया, 7/2 था ये 2/7 हो गया, इसलिए हम लोग इंटरचेंज कर दे रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। अगर एक नंबर का हम उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज करते हैं, नीचे 1 था ना तो 1 ऊपर चला गया ए नीचे आ गया, तो हम लोग बोलते हैं ये इसका रेसिप्रोकल है। अगर एक नंबर को हम उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दें या फिर उस नंबर को 1 से डिवाइड कर दें तो हम लोग को उसका रेसिप्रोकल मिल जाता है। समझ में आया रेसिप्रोकल मतलब, एक नंबर को उस 1 से डिवाइड कर देंगे तो उसका रेसिप्रोकल मिल जाएगा, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 7/2 का रेसिप्रोकल 1/7/2 विच इज एक्चुअली 2/7, ठीक है ठीक है। ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है एंड वाइस वर्सा, ठीक है ठीक है। अब नोटिस कीजिए, अगर ये दोनों रेसिप्रोकल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा, जब दो नंबर्स जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ध्यान से सुनिएगा, दो नंबर्स जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आएगा, हमेशा कैंसल कैंसल 1,
कैंसल कैंसल वन, सेवन सेवन कैंसल, टू टू कैंसल वन. मतलब कि जब दो रेसिप्रोकल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमेशा वन आता है. मतलब कि अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए आंसर वन आए तो उस नंबर्स को बोलते हैं रेसिप्रोकल. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलिए इतना तो हम लोग समझ गए. ओके चलिए देखिए, अब नोट कीजिए, प्लीज नोट कीजिएगा कि डेफिनेशन ऑफ साइन देखिए एंड डेफिनेशन ऑफ कोसेक देखिए. साइन ऑफ इन गिवन एंगल ए का डेफिनेशन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एंड कोसेक का है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर. तो क्या दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है? साइन का है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोसेक का है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर. मतलब हम बोल सकते हैं साइन ए इंटू कोसेक ए विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बाई एच इंटू एच बाई पी. आंसर पी बाई एच इंटू एच बाई पी कैंसल तो वन. हम बोल सकते हैं साइन ए इंटू ओ कोसेक, कोसेक ए इज इक्वल टू वन. अब देखिए मल्टीप्लीकेशन सिंबल के लिए हम डॉट भी यूज कर सकते हैं या फिर ये क्रॉस साइन भी यूज कर सकते हैं. समझे क्या बोल रहे हैं? मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये डॉट साइन भी यूज कर सकते हैं या फिर क्रॉस साइन, एक ही बात है. तो ये एक रिलेशन बना हम लोग का, ठीक है ना? यहां से मतलब क्या हुआ? ये सिंपलाइज हम बोल सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू वन बाई कोसेक ए. और अगर हम कोसेक ए को सब्जेक्ट बनाएं इज इक्वल टू वन बाई साइन ए, क्या हो गया? मतलब हम बोल सकते हैं साइन इज रेसिप्रोकल टू कोसेक, साइन एंड कोसेकेंड, कोसेकेंड आर रेसिप्रोकल ऑफ इच अदर, रेसिप्रोकल टू इच अदर, टू इच अदर. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल यहां से फॉलो कर रहा है, ये है ये है. अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें हम तो ये वन आएगा. अब दो नंबर्स को, दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से आंसर वन आया. मतलब क्या है? ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसलिए इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन. ठीक है, ये पहला है, समझ में आया? ये पहला रिलेशन है. ठीक है, ओके कहां लिखते हैं हम, कहां लिखे हैं इसको? यही लिखते हैं, यही लिखते हैं इसको, यहां पर बॉक्स करते हैं और यहां लिखते हैं साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू वन. ठीक है, ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट मिटा, इसको मिटा 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 दिए. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट टू और फिफ्थ को नोट कीजिए. कॉस ए है बेस बाय हाइपोटेन्यूज वेयर सेक ए है हाइपोटेन्यूज बाय बेस. मतलब हम बोल सकते हैं यहां से फिर से कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू सॉरी हाँ ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इंटू हाइपोटेन्यूज बाय बेस. ये कैंसिल तो ये आएगा. मतलब कि cos a into sec a is equals to 1. ये एक नया रिलेशन बन गया हम लोग का. यहां से हम बोल सकते हैं अगर हम cos को सब्जेक्ट बनाए तो cos a हो जाएगा 1 by sec a. और अगर चाहे तो हम अगर हम sec a को सब्जेक्ट बनाए तो वो हो जाएगा 1 by cos a. तो यहां पे हम लोग को हम बोल सकते हैं कोसेकेंड कॉस एंड सेक आर रेसिप्रोकल टू इच अदर, रेसिप्रोकल टू इच अदर. ठीक है, तो यहां पे हम एक और रिलेशन लिख देते हैं जो है कॉस ए इंटू
sec a is equals to 1, ठीक है? ठीक है, ठीक है, मिटा दिया। अब फाइनली एक और बचा, अब बचा क्या, ये एंड ये बचा, तो कुछ बचा नहीं है। टैन होता है बेस परपेंडिकुलर बाय हाइट, छी 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 कहाँ लिखते हो छी, टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पी पी ऊपर नीचे बी बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ मतलब कि टैन ए इंटू कॉट ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस इंटू बेस बाय परपेंडिकुलर, कट्टा कुट्टी करो आएगा 1, मतलब टैन ए इंटू कॉट ए इज इक्वल्स टू 1। यहां से अगर हम सब्जेक्ट बनाए टैन को तो टैन ए हो जाएगा 1 बाय कॉट ए, एंड कॉट ए हो जाएगा 1 बाय टैन ए, तो हम बोल सकते हैं कॉट एंड टैन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, कॉट एंड टैन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है? तो फाइनली यहां एक और रिलेशन बन जाएगा जो होगा टैन ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1, ये हो गया हम लोग का फाइनल खत्म, ठीक है? ओके ठीक है, मिटा रहे इसको, ठीक है मिटा रहे हैं, ओके मिटा रहे हैं, ठीक है। अब आप पूछ सकते हो भैया आपने पहले ही दिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाना शुरू किया और इतना कुछ पढ़ा दिया, अब इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग, इसको याद कैसे रखेंगे, यही तो मेन चीज है ना भैया, याद कैसे रखेंगे। पहली बात तो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। दूसरा एक बता रहे हैं जो सब लोग, सबको पता है ये बात, आपको भी अभी पता चल जाएगा कैसे याद रखना है, कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं है याद रखने का, बहुत छोटा चीज़ है कि अब आप क्या करोगे, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे, जब भी कभी भी कोई भी टॉप पेज का टॉप एकदम टॉप में ना ये चीज लिखिएगा, एस इज इक्वल्स टू पी बाई एच, C is equals to B by H and T is equals to P by H, ठीक है? ये लिखिएगा। अब आप मुझे बोलोगे भैया ये लिखने के लिए भी तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा कुछ, हाँ तो ये याद रखेंगे हम लोग, सम पीपल have curl curly brown hair, जरूरी नहीं मिल रहा मेरे को, तो फ्लॉप हो गया लग रहा है, फ्लॉप हो गया ना, फ्लॉप हो गया, तो जब शुरू करना पड़ेगा, देखिए some people have curly curly brown hair, turne returned permanently black, ये बहुत पुराना फ्रेज है, इतिहास से चला आ रहा है, आप भी याद कर लीजिए इसको, कोई बड़ा बात नहीं है, बस ये फ्रेज याद कर लीजिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, और बस आपको फिर ये लाइन याद हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, सी इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, एंड टी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हो, नेक्स्ट पेज में एक सॉल्व किया फिर नेक्स्ट पेज चले गए, तो ईमानदारी से सबसे पहले आप ये लिखिएगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, ठीक है,
ठीक है ना, ये लिख दोगे आप, मतलब आपको याद आ जाएगा कि साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंड टेंजेंट ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और फिर क्या करोगे, ऐसे लिख दोगे, इसका नीचे लिख दोगे साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक, एंड टैन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट। बस इतना लिख दोगे, क्योंकि अगर साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक क्या होगा, आपको लिखने का जरूरत नहीं है, पर आपको पता चलेगा हाइपोटेन्यूज में परपेंडिकुलर होगा। अगर कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज है पर सेक तो इसका रेसिप्रोकल है, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, अगर टेंजेंट पी बाई बी है तो कॉट क्या है, उसका उल्टा हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो याद रखने का तरीका याद आया, याद रखने का तरीका समझ में आया क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, तो आपको याद रखने का तरीका समझ में आया ना, सिंपल सा तरीका है। स्टार्ट करना ऐसे ईमानदारी से, जब भी टॉप पेज में स्टार्ट करोगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, अच्छा साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, खत्म, बस हो गया, इतना याद रहेगा, परफेक्ट। चलिए ठीक है, ये हो गया हम लोग का, ठीक है, ये हो गया हाउ टू रिमेम्बर, ग्रेट। अब फाइनली बस एक चीज और बाकी है, तब वो कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटली हम लोग का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग कोशेंट, COUTIENT, कोशेंट रिलेशंस। ठीक है, कोशेंट रिलेशंस, ठीक है। अच्छा देखिए क्या होता है ये, अच्छा जो टैन ऑफ एनी एंगल है इसका डेफिनेशन क्या है, टर्न परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली बाई ब्लैक, परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, क्या किए हम, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by hypotenuse, ठीक है, ठीक है। तो perpendicular by hypotenuse क्या होता है, perpendicular by hypotenuse होता है, some people have sine of this angle, and base by hypotenuse कौन सा trigonometric ratio है, base by hypotenuse, turn some people have curly brown hair, base cos। ये जो रिलेशन है जहां पे हम tan a को लिख सकते हैं sin a by cos a, ये होता है एक कोशेंट रिलेशन। ये रिलेशन जहां पे हम tan को लिख सकते हैं sin a by cos a, इसको बोलते हैं कोशेंट रिलेशन। तो यहां पे एक और रिलेशन मिला हमको, जो है tan a is equals to sin a by cos a, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए इतना ठीक है हम लोग का, ठीक है, ओके। अच्छा ठीक, कोई एक बार चीज कर देते हैं यहाँ पर, फिर से कर देते हैं। देखो ये हो गया कि हम tan a को चाहे तो sin a और cos a में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं cot ए का डेफिनेशन होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, समझ सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड हाइपोटेन्यूज से। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज खुद में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है कॉस ऑफ दैट एंगल, एंड ये होता है साइन ऑफ दैट एंगल, यहां से बेस बाय ये हो जाएगा फाइनली cos by sin, मतलब कि आप चाहो तो cot a को लिख सकते हो
कॉस ए बाई साइन ए, ये एक और क्वेश्चन रिलेशन है. टैन अगर, अरे ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो अगर टैन का है साइन बाई ए, हम लोग को पता है कॉट टैन का रेसिप्रोकल है, कॉट टैन का रेसिप्रोकल है. इसका मतलब अगर टैन साइन बाई कॉस है तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन वही है, कॉट ए हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए. ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो चलो फाइनली हम लोगों ने अपना सब टॉपिक खत्म कर दिया, पूरा यहाँ पूरा चीज खत्म हो गया हम लोग का. ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने क्या सीखा आज, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेफिनेशन सीखा. ठीक है, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उसमें से तीन रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं. एंड उसमें से दो क्वेश्चन रिलेशन है, सी यू ओ टी आई ई एन टी, क्वेश्चन रिलेशन है. छह डेफिनेशन, तीन रेसिप्रोकल रिलेशन एंड दो क्वेश्चन रिलेशन. ठीक है, ठीक है. एंड फाइनली हम इसे बोलना चाहेंगे, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, नोट. स्क्वायर ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज रिटन एज, रेशियो इज रिटन एज, मतलब कि जो साइन है ना, साइन ए का अगर होल स्क्वायर करना चाहते हैं हम, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए ऐसे लिखते हैं, मतलब इसका ऐसे लिखते हैं. अगर कॉस स्क्वायर करना है आपको, कॉस ए का अगर होल स्क्वायर करना है तो लिखोगे आप ऐसे, कॉस स्क्वायर ए. मान लीजिए टैन का क्यूब करना है, टैन ए का क्यूब करना है आपको, आप लिखोगे टैन क्यूब का ए. अगर आप मान लीजिए आपको sec sec b है, एक एंगल है, इसका आपको ऑर्डर 4 लिखना है, तो ये हो जाएगा sec टू द पावर 4 b. और क्या बचा, cot लिख देते हैं, पर cot टू द पावर 3 लिखना है, ये हो जाएगा cot का एंगल थीटा बोलते हैं, cot थीटा, और इसको बोलते हैं cot क्यूब थीटा, मतलब कि स्क्वायर और क्यूब, पावर ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक, पावर लिख दे, पावर बेटर वर्ड है, पावर ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज रिटन एज ये. अगर आपको इसका फोर्थ पावर चाहिए तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, नोटेशन है, क्या है, नोटेशन, नोटेशन. ठीक है, ठीक है. तो चलिए अब हम लोग ने फाइनली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सीजन था ना पूरा कंप्लीट हो गया है. अब हम लोग थरली न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एपिसोड से. ठीक है, तो हम आपको बस बोल रहे हैं कि प्लीज़ इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखिए और ये सारा रिलेशंस को याद रखने का कोशिश कीजिएगा, कैसे याद करते हैं समझाए हैं वैसे याद कीजिए, प्लीज़ फॉलो कीजिए उसको. ठीक है, ओके, तो चलो आज का एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं. टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड.